छन से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। आंटी, सरमत की तो मंगनी नहीं हुई ना अभी? नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी इतनी कच्ची उम्र में लड़कों की शादियां नहीं होती। यकीन कीजिए, अब तक मेरी नजरों ने आपको ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। वो वैसे मेरी नजरें भी ना आप ही को तलाश कर रही थी हर जगह। Really? हाँ। भूत 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 नीचे आये ना। ये कहां से आ गई? कौन? हम दरअसल आपको दावत देने के लिए आए थे। कल हम अली तुराब की बाजाब्ता मंगनी कर रहे हैं। क्या आप इस पर बिलीव करती हैं? किस पर सर? She loves me not well. ये लंच तो महज एक बहाना था आपके साथ वक्त गुजारने का। यहां रुक के मुझे बिल्कुल अपने घर वाली फीलिंग आई है। आई होप आपने माइंड नहीं की मेरी फ्रैंकनेस। सोचा नहीं था ये मौसम गुजर जाने से, दिल से उम्मीदें उतर जाएंगी। बीती हुई बातों को समिया, आपको इतनी सी भी एंबैरेसमेंट नहीं हुई कि आप ये बुके उठाकर पूरे दफ्तर में फिरती हुई मेरे कमरे तक आ रही? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने साथ होने वाली हरकतों को महज इसलिए छुपा लेती हैं कि दुनिया क्या कहेगी। मैं एक बहादुर औरत हूँ। समिया, बचिया और बानो मेरे साथ जाएंगी। मैं समिया से अभी और इसी वक्त निकाह करने आया हूँ। ये निकाह बखैर खूबी अंजाम पा जाए, उसके बाद मुबारकबाद देना। जी, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद छोटे लॉर्ड के लिए दे रहा हूँ। मैंने कहा भी था शौकत से कि अली तो आपके साथ अंबर को ना भेजे। क्या हिमाकत कर आई हो तुम वहाँ पे? कश्माला,
शुक्र करो कि उस बड़ी बी ने हमें देखा नहीं, वरना वो ऐसी हालत बनाती ना कि बस, और फिर अम्मू से अलग डांट पिटती हमें। वो थी कौन बाय द वे? अंजुम आरा हमदानी, तो आप अंकल की सिस्टर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मू की शादी अगर फ्यूचर बाबा से हो गई तो क्या? जी बिल्कुल सही सोचा आपने, हमें उसी ड्रैकोला के साथ रहना पड़ेगा। वैसे बाय द वे अम्मू की शादी हो भी नहीं रही है तो आप अंकल से, उनका तो निकाह है उस स्टूपिड अमरीन से, और बल्कि हम इनवाइटेड भी हैं। व्हाट? लेकिन हम तो होटल में मूव हो रहे हैं। सब क्या हो रहा है रोशाने? गुरुजी आपकी तपस्या में कोई खोट आ गया, तभी ये सारी गड़बड़े हो रही हैं। महाराज का हुक्म है कि अभी बानो का फोन उठा के लाओ। हम मली तो आराब मुहरक को पूछेंगे कि वो हमें धोखा कैसे दे सकते हैं। जी गुरुजी हुकुम, अभी लेकर आई। हमारी जेल में सुरंग। हम लोग जा रहे हैं, मैं, बच्चियां और बानो। आप पूछेंगे भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं? मेरे साथ। समिया, बच्चियां और बानो मेरे साथ जाएंगी। मैं समिया से अभी और इसी वक्त निकाह करने आया हूं। आइए मौलवी साहब। आपकी तारीफ। ये तो आराम अंकल है, हमारे फ्यूचर बाबा। मैं अली तोराब हमदानी हूं और समिया मेरे ही ऑफिस में काम करती है। ये तो हुआ अब तक का तारुफ। आइए मौली साहब बैठिए। और अब कुछ ही देर में मैं हो जाऊंगा आपका भैनोई और आप मेरे बड़े साले साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे जमाना काफी तरक्की कर गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे निकाह पर कोई एतराज नहीं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी साहब निकाह शुरू करवाएं। आ जाएं मेरे मोतबर गवाहान। दुल्हन की तरफ से गवाह मैं हूं। Thank you.
आगे नहीं आए बाजी बहन। अल्लाह खैर करे, हमारा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब हमारे बच्चे के साथ वो हादसा हुआ था। इस घर के मकीनों पर किसी की बुरी नजर ने अहाता किया हुआ है। बाजी बेगम, किसी गरीब की आह लग गई हो। गुड इवनिंग बिग मैडम, आपको मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? कि निकाह बखैर खूबी अंजाम पा जाए, उसके बाद मुबारकबाद देना। जी, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद छोटे लॉर्ड के लिए दे रहा हूं। आ जाइए सर। पूरा उस वाहियात लड़की का जिसने मेरे बच्चे को इस हाल में पहुंचा दिया। जॉन। यस सर। मुझे आज ही उस बदतमीज लड़की को तलाश करके दो। ओके सर। अच्छा कासिम साहब, अल्लाह हाफिज। तुम दोनों हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम बानो और जफर भाई के साथ आ जाएंगे। जफर, गाड़ी बहुत आराम से चलानी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, सुना तुमने? चलो। बाजी, आप ब्लैक साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। सूट्स यू रियली। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। बाजी, वैसे दुल्हन का जोड़ा तो आपने बड़ा शाहाना लिया है। क्यों नहीं होगा शाहाना, अल्लाह अल्लाह करके ये दिन आया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे तुराब मियां की दुल्हन के लिए टांका गया हो। तुम तो जानती हो हमारी पसंद हमेशा से आला रही है। अब वो चाहे अली तुराब की दुल्हन हो या उनका उरूसी जोड़ा, दोनों ही बिल्कुल अनोखे और अछूते। बाजी, आपको याद है वो दोनों लड़कियां कितना झगड़ा कर रही थी वो जोड़े को लेने के लिए? बहुत बदतमीजी कर रही थी, छीन रही थी आपके हाथ से। उनकी शक्लें हम भूल सकते हैं भला? और गुस्सा तो हमें इस बात पे आया, वो जोड़ा अपनी वालिदा माजिदा के लिए खरीद रही थी। वो बाजी बेगम, काजी साहब आ गए, कहाँ बैठाऊं? मेरे सर पर और कहाँ। बैठा उनको मर्दों में। जी बेहतर। कहाँ रह गए अली तुराब? समझ गया। जरे अपने मामू को फोन लगाइए, पता नहीं कहाँ रह गए वो। अब तो हमें सख्त हॉल उठने लगे हैं।
बाजी आप ये लीजिए, इससे आपके दिल को जरा तस्कीन मिलेगी। थैंक यू। तुम भी लो ना। जी। आपने घर पे कॉल तो कर दी होगी। मेरा मतलब है, घर में से अंजुम आई थी, मुझे इनवाइट भी किया था आपकी निगाह में शिरकत के लिए। निगाह तो हो गया और तुमने उसमें शिरकत भी कर ली, फिर भी समय प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी के ये दो इम्पोर्टेंट पल मुझे दे दो कि मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो। मुझे यूं महसूस हो जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो मुझे तूफान ही तूफान दिखाई दे रहा। बंगले से ही बात कर रहा हूं, अकेला हूं। मुझे लॉकर की चाबी मिल गई, मगर तुम आओ तो तुम्हें तफसील बताता हूं। कॉल बहुत महंगी है, बस तुम कल सुबह की फ्लाइट लेके आ जाओ ना। ओके 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 ओके। हां भाई, मैं एयरपोर्ट पे आ जाऊंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे क्या मसला है, इस तरह से गाड़ी चलाते हमारा नादिर शाह उड़ गया। अरे बानो चीख क्यों रही हो, मैं घबरा के गाड़ी रोकी है मैंने, तोता मुझे क्या पता कहां गया। हाथों के कहां नीचे देखे ना, सीट के नीचे ना चला गया। नादिर शाह, अरे नादिर शाह क्या हुआ। अरे यार तोता गाड़ी के नीचे। अरे यार बानो, यार क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक लिया तुम लोग, ये शोर क्यों मचा रहे हो। बाबा नादिर शाह उड़ गया। नादिर शाह कौन है भाई। अरे यार बानो का तोता। मसला सॉल्व हो गया। बानो इतना सामान आपने भर लिया, मेरे घर में सब कुछ है। कश्माला तुमने बाबा की तस्वीर रखी थी ना। अम्मू ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने बाबा की तस्वीर कभी छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा भी था शौकत से कि अली तुराब के साथ अंबर को ना भेजें। क्या हिमाकत कर कर आई हो तुम वहां पे। अम्मी अम्मी आप टेंशन मत लें, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ आते ही होंगे वो लोग। अंबर तुमने कॉल की वहां। नहीं। अम्मी ये देखें, ये सब क्या हुआ है। क्या हुआ। शौकत शौकत निकाह तो हो चुका बाजी, अभी कुछ देर पहले समिया के साथ।
आओ समय आप अंदर चलो। ठहरिए। कि मन मर जाए हाँ मन मर जाए समय मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैं समझ से बात करता हूं, उसे मेरी फ्रैंकनेस भी है, वो बाजी को बता देगा। व्हाट डू यू से? जी सर, ब्रिलियंट आइडिया। मेरा मतलब है बहुत अच्छा ख्याल है। उठा लेगा। नहीं उठा रहा। शाने, इतना बड़ा घर, ऐसा लग रहा है मोहड्डा पैलेस। अंकल तो आप यहाँ रहते? चलो रोशाने अंदर जाके। कश्माला, अभी हम नहीं जाएंगे, पहले अम्मू और अंकल तो आप जाएंगे, उसके बाद हम। क्यों? अरे तो आप बाबा ने निकाह किया अम्मू से, हम कोई भाग के तो नहीं आए ना यहाँ पे। लेकिन कश्माला मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है, अगर उन्नी आंटी ने हमें देख लिया और पुलिस को बुला लिया तो। अम्मू के निकाह के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई। अच्छा रोशाने, ऐसा करते कि किताब से अपना मुंह कवर कर लेते, है ना? और तुम? और मैं ऐसे करके अपना मुंह छुपा लूंगी। कश्माला, ये क्या था? रोशनी, एलियन। याद है हमने वो हॉरर फिल्म देखी थी, ब्लडी मैरी? ओह माय गॉड, यार तो बड़ा ही मजा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। पागल। हम कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे? जब से कोई हमें देख नहीं लेता। आप फोन करें उन्हें, मेरा मतलब है अपनी बाजी को कॉल करें।
समिया, मैं सोच रहा था कि आज की रात हम किसी होटल में ना चलें। आखिर इस शहर में इतने बड़े बड़े होटल हैं, किसके लिए? हमारे लिए ना, तो फिर हम चलें? नहीं अली तुराब, हमारा निकाह हुआ है मेरे भाई और बाकी गवाहों की मौजूदगी में। मैं इस निकाह को इस तरह खुफिया नहीं रखना चाहती। समिया, तुम बाजी को नहीं जानती हो। मैं उन्हें जानना ही तो चाहती हूँ, उनसे जान पहचान करना चाहती हूँ। अगर आज नहीं जान पाई ना, तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगी। और मैं किसी भी हाल में इस निकाह को खुफिया शादी का नाम नहीं देना चाहती। ये मेरी बेइज्जती होगी अली तुराब। तो फिर चाहे कुछ भी रिएक्शन हो, बाजी का, रिलेटिव्स का, सरमत का, तुम पीछे नहीं हटोगी। मैं आपके साथ हूं अली तुराब, आज भी और आइंदा भी। देखें, देखें हम जरा ये तस्वीरें, ये अली तुराब की तस्वीरें नहीं है क्या? हाँ है तो, लेकिन अरे भाई, किसी ने मजाक किया है। मैंने खुद देखी है ऐसी कैमरा ट्रिक्स, फोटोशॉप पर सब कुछ मुमकिन है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? अरे भाई, मशहूर है, रईस आदमी है, 100 से दुश्मनी होगी इसकी। इसके रिश्ते के लिए ना जाने कितने लोग इंतजार में होंगे, ऐसा सब कुछ हो सकता है। कह तो आप सही रहे। देखा अमरीन बेटा, ये फेसबुक वगैरह सब बकवास है, अफवाहें फैलाने का जरिया है। दे आप इसको मोबाइल। जाओ मेरा बेटा, जाकर अपना मेकअप फ्रेश करो, जल्दी से, फटाफट उठो जल्दी से। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। ओ मेरा बच्चा, मैं भेज रही हूँ अभी। अरे भाई, आप जाकर इंतजाम वगैरह तो देखे ना। ओके ओके, लो बेटा। चलो जल्दी से रेडी हो, शाबाश। आइसक्रीम भेज रही हूँ। जान मोहम्मद, कहाँ जा रहा? चुपके चुपके हटाओ इसको। यस मैम। हमें तुम्हारी हरकतें बहुत मशकूक लगती हैं। जी मैं? खामोश रहो, हमने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है, और हमारी बात खत्म होने से पहले तुम बोल नहीं सकते, समझे? जी माता। इस कोठी का यही उसूल है, सारे घर वाले अंदर जमा है, सरमत भी वहां पर है, सब मेहमान बैठे हैं, रौनक मेला लगा हुआ है, और तुम यहाँ दबे पांव चोरों की तरह से पता नहीं कहाँ जा रहे हो। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? लाइट। सारी कोठी रोशनियों से जगमगा रही है, और तुम कंगले मुलाजमीन की तरह से ये लाइट लेके घूम रहे हो। इधर लाओ, पकड़ो, जाओ सरमत बाबा के साथ खड़े रहो। खबरदार जो बाहर का रुख किया तुमने। जी मादाम। काम चोर कहीं का। बाजी का फोन। हेलो बाजी। अली तुराब, क्या मजाक है ये? रात के 8 बज रहे हैं, सारे मेहमान जमा हैं, और आपका कहीं पता नहीं, कहाँ हैं आप? जी बाजी, मैं घर आ चुका हूँ। वो एक्चुअली समिया को मैं। अच्छा अच्छा, आप मिसेस खान को लेने चले गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप आ जाइए, यहाँ भी सारी तैयारी मुकम्मल है। वहाँ से अमरीन के वालिद के 100 मरतबा फोन आ चुके हैं,
वो इंतजार में बैठे हैं, आप आए तो हम लोग यहाँ से निकले। चीची चीची मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यस वेल डन। बच्चियों को बता दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। रोशनी सबको उठा दो, हम अंदर चल रहे हैं। नहीं अभी आप और अम्मू अंदर जाएं, मैं और कश्माला बाद में आएंगे। बेटा जल्दी आ जाना, ओके? जी आ जाएंगे। माशाल्लाह आज पहली बार आपको इस रूप में देखा है, बिल्कुल दुल्हन मालूम हो रही है। अली तुराब निकाह के लिए चलें? कि मन मर जाए। हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए। अरे मामू भी आ गए। अली तुराब हम दानिश तो पूरे खानदान में अपने पाबंदी वक्त के लिए मशहूर हैं, और आपने आज इतनी देर कर दी, कमाल कर दी। मिसेस समिया खान आप भी आ गईं। बच्चियां कहाँ हैं? माशाल्लाह आज पहली बार आपको इस रूप में देखा है, बिल्कुल दुल्हन मालूम हो रही हैं। अली तुराब निकाह के लिए चलें? निकाह तो हो चुका बाजी, अभी कुछ देर पहले समिया के साथ। अब अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं जानता हूँ आप कैसे ऐसे निकाह कर सकते हैं और मिसेस समिया खान के साथ। करेक्ट योर सेल्फ, अब ये तुम्हारी वो मानी है मिसेस समिया अली तुरा। कश्माला रोशनी कहाँ है? आपके साथ क्यों नहीं आई? वो अंदर नहीं आई है। वो अंदर नहीं आई क्यों? कहाँ है वो? मेरी बच्ची आज तक मुझसे अलग नहीं रही, मैं लेकर आती हूँ। ओहो, माँ को ससुराल छोड़ के बारात वापस आ गई तुम लोगों की? इतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है? अंजुमारा हमदानी इतनी आसानी से शिकस्त कबूल नहीं कर सकती। हम समिया को न सिर्फ
इस घर से बल्कि अली तुराब की जिंदगी से भी निकाल बाहर करेंगे। कैसे रुक जाऊं? इस घर के दरवाजे से मेरी बेटियां धुतकार के वापस कर दी गई हैं। और मैं कोई नहीं, कुछ भी नहीं।